हंसेगा इंडिया। लोग आके बोले एजेंट के पास है, भाई मुझे फ्लैट चाहिए था, फ्लैट के लिए आप आइए, देखिए अभी तक ये टॉयलेट खाली है, टॉयलेट ले लीजिए, एकदम सी फेसिंग है, समुद्र की तरफ बैठ के इसलिए क्या पेट भी जल्दी साफ हो। और तो और ये फ्लैट के अंदर एक्सचेंज ऑफर शुरू हो जाएगा। फ्लैट के अंदर ही एक फैमिली दूसरी फैमिली से कहेगी, एक अंकल आए, अरे शर्मा जी आपका बाथरूम ज़रा थोड़ी देर के लिए दे दीजिए, नहा लें 3 दिन हो गए। वो बोलेंगे, अरे आपने तो हमारे दिल की बात छीन ली, आप बाथरूम में घुस जाइए, तब तक आपके रसोई में हम घुस जाएं, 3 दिन से हम कुछ खाए नहीं। तभी मेहरा साहब मिसेस कपूर से कहेंगे, बहन जी गलत तरह है, आप ना अपने ड्राइंग रूम का कोना दे दो, मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। अरे वाह भाई साहब मुबारक हो, रिश्ता तय कर दिया, बताया भी नहीं, एक ही फ्लैट में रहते तो भी नहीं बताया। आहा, क्या करता है लड़का, खुद का घर तो है। हाँ जी मैम जी बड़ा इस्टेब्लिश लड़का है, उसका तो बड़ा ऑटोमेटिक घर है, बटन दबाता है दरवाज़ा खुल जाता है, अपने आप दरवाज़ा बंद हो जाता है, बटन दबाता है ऊपर चला जाता है, पूरा पूरा घर ऊपर चला जाता है, बटन दबाता है पूरा घर नीचे ले आता है, बड़ा ऑटोमेटिक है। वाह भाई साहब बहुत बड़े घर में रिश्ता तय किया है, लड़का तो बहुत इस्टेब्लिश लगता है, क्या करता है, कौन है? वो है अपनी बिल्डिंग का लिफ्टमैन बिरजू। घरों के जो ब्रोकर हैं वो ऐसी बात किया करेंगे, कोई महिला ट्रांसफर होके आई, मैडम क्या है, आप तो हम धर दे सकते हैं, आप तो रहने दो, जो तकलीफ है उस तो अपन दूर कर सकते हैं, लेकिन क्या है आपके लिए एक अलमारी है, अलमीरा बोलते हैं ना अलमीरा, उसमें आप सो सकती है, आराम से सो सकती है, बड़ी है आप उसमें सो सकती है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरे 4 बच्चे हैं, बच्चों के लिए क्या, बच्चों तो हम थूटी दे दें, थूटी क्या, थूटी थूटी हुत 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 दे दें, दे बच्चों तो ऐसे तरते आप तान दे देता। हाँ वो तो ठीक है, थैंक यू भाई साहब, लेकिन मेरे हस्बैंड ये कहाँ सोएंगे? आप तो हस्बैंड तो नहीं जमेदार, हस्बैंड का तकलीफ है, आप तो हस्बैंड का तोन निकला है, इन तो एडजस्ट करना मुश्किल है, ये तो 4 आदमी जैसे लेंगे तो आजकल तकलीफ है। हस्बैंड के लिए आप ऐसे करो, इनको कोई टेरेस फ्लैट दे दो, टेरेस फ्लैट। तभी वो लेडी गुस्से में बोलेगी, ये अच्छी बात नहीं है, अपने हिंदुस्तानी के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, और आपने देखिए अंदर वो चाइनीज़ है, चाइनीज़ रहता है, उसको अच्छे से आपने जगह दी हुई है, हिंदुस्तानी के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। अरे मैडम वो चाइनीज़ नहीं है, वो तसम से चाइनीज नहीं है, उस तो मैंने जगह दी है ना, वो दरवाजे से पीछे वाली दी है, तो क्या तो भी धर में घुसता है ना, तो दरवाजा खोलता है, उससे नाक में लगता है, तो नाक में लद लदते एकदम चपता चपता, मानो ऐसा चपता हो गया है, वो चाइनीज नहीं है, वो अपने इंडिया का ही है, तुम आई होता दोंदरा साहब इंडिया था। और अब दोनों कॉमेडियन के बीच आखिरी जंग, एक तरफ है ईंट और एक तरफ है पत्थर, इस राउंड के बाद पता चल जाएगा कौन है अच्छा, कौन है बदतर। क्या हुआ राधा? मम्मी याद आ रही है। ओह तुम्हारी निगाहों में आंसू नहीं लगते अच्छे, और बारिश के मौसम में जल्दी सूखते नहीं मेरे कच्चे। हाँ दोस्तों, हमारे गांव के ननकऊ फिल्म शोले देख के आए अभी कल। अच्छा इन्होंने 30 साल पहले नहीं देखी, 30 साल पहले अगर देख लेते मेरी खोपड़ी फाड़ देते। जब से फिल्म देख के आए गरिया रहे हैं, फिल्म बनाने वालों को गरिया रहे हैं, कह रहे हैं हमें इनका पता दो जो बनाए हैं, हम खोपड़ी पर राई का तेल लगा के उनके पेट में मार देवे घपाक। हमका कहा हुआ नहीं, शोले फिल्म फालतू बनाया है, झूठ है, पूरी फिल्म झूठ से भरी है, झूठ का पुलिंदा है, सच्चाई नहीं है, पब्लिक का बेवकूफ़ बनाया है। कौन बनाया हमें बताओ, उनका सोचा टांग पे टांग धर के चीर दे, उनकी छत्तिया पर बैठ के चरचरा दे। एक जगह क्या कहते हैं, अमिताभ बच्चन सामने से आ रहे हैं जो जय बने हैं, आओ आओ आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे ऊंट कहाँ है, तो आदमी है, अभिषेक बच्चन के पापा है, उनको ऊंट कह रहा। और एक जगह क्या कहता है गबरो, एक जगह कहता है अच्छा तो ठाकुर ने हिजड़ों की फौज बनाई, जबकि एक हिजड़ा नहीं दिखाया शोले, कोई हिजड़ा नहीं रहा। अरे जय और वीरू रहें, ये कहीं ऐसे ऐसे करके नाचे। कितना झूठ शोले में कहा है, बोले हुए समझ में नहीं आ रहा। हर आदमी झूठ बोला है। अच्छा सब लोग झूठ बोल लिए, हम कहा शायद जया भादुरी झूठ नहीं बोलेंगी, वो तो इतना गजब का झूठ बोलती है। कहा वो ठाकुर की बहुरिया रही है, तो लालटेन को ऐसे अपना जला रही बुझा रही। हम कहा ठीक है भाई, केरोसिन डाला होगा, अपना जलाओ बुझाओ, तुम्हारी चीज़ है जलाओ। अपना जला रहे हैं बुझा रहे हैं। बाद में हम देखा कि गांव में तो पानी की टंकी भी है और ये जला रही बुझा रही। एक का मतलब गांव में लाइट और बत्ती नहीं है, तो लाइट बत्ती नहीं तो पानी टंकी कैसे देखा, वो पानी कैसे चढ़ाते भी बगैर बिजली के पानी कैसे चढ़ाएंगे। तो फोकट में जो है वो पानी टाकी बनाया। एक बस स्टॉप पे मैंने एक लड़का और लड़की की बातें सुनी। लड़का बोल रहा है चल चले शानी, नाटक मत कर समझाना, समझाना भाव नहीं खाने का, भाव नहीं खाने का। लड़की लोग क्या होती मालूम है, लड़की बस और ट्रेन की तरह, एक जाती है दूसरी आती है, ऐसे देखते हैं अपन जा रही क्या गई, जाने गए जाना ए आना। तो बोली ज़्यादा स्मार्टनेस मत दिखाओ समझे ना, हाँ कुछ भी ऐसे बोलने का नहीं, हाँ जो दिल में आएगा ऐसे बोल दोगे क्या, कुछ भी बोलते हो, चल चल चल, हाँ 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 नाटक मत कर। हाँ लड़के लोग क्या होते मालूम है, लड़के ऑटो रिक्शा और टैक्सी की तरह होते, एक को बुलाओ चार चार आते। आखिरी जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ है भाला, एक तरफ है ढाल, दोनों यहाँ फिर से आएंगे, मचाएंगे बवाल। आपको लगेगा धमाल, थोड़ी देर में पता चल जाएगा किसके पास है असली माल। हम यहाँ से अभी चले जाएंगे क्योंकि मेरे बाजू में है गरम गरम दाल। लेकिन कुछ भी हो जाए ये जंग हम जीतेंगे। ये जंग हम जीतेंगे। हम ज्यादा अच्छा हंसा सकते हैं, हम ज्यादा अच्छा हंसा सकते हैं। अरे हमारे यहाँ के तो औरतें भी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। औरतें? जी हाँ, वो बगैर किसी टॉपिक के 2 घंटे लगातार फरफर मुसलसल बोल सकती हैं। ओह कंटिन्यूअस? जी हाँ। हमारी औरतों के ना पूछो, हमारे यहाँ की औरतों को टॉपिक भी ना दो फिर भी 24 घंटे पचर पचर बोल लेती। लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। कैसे? वो पानी की बर्फ बनाकर पानी से भी डबल भाव में बेच डालते। होशियार लोग। हमारे आदमियों का ना पूछो, हमारे यहाँ के लोग पिघली हुई बर्फ भी 50% डिस्काउंट में बेच देते। अरे हमारे यहाँ तो ऐसे इंटेलिजेंट एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। जोशी? हाँ। क्या करते हैं वो? वो पहले से ही बता देते हैं क्या कि कौन सी टीम वर्ल्ड कप में अंदर रहेगी और कौन सी बाहर। हमारे बारे में मत पूछो जजमान, हमारे यहाँ के ये लोग तो पहले ही से बता देते हैं सचिन किस बॉल में आउट होगा, तेंदुलकर सेंचुरी बना पाएगा कि नहीं, गांगुली को कौन कैच करेगा, गिब्स कहाँ पकड़ा जाएगा, लारा किस गेंद पे आउट होगा, LBW कब होगा, लंच कब होगा और वाइड बॉल कब होगी, सब पहले से ही बता देते हैं। अरे कौन से लोग हैं ये, कौन से बहुत महान लोग हैं ये, हैं बुकी, मैच के फिक्सर। कुछ भी हो जाए ये जंग हम जीतेंगे, ये जंग हम जीतेंगे। हम हंसा सकते हैं, हम हंसा सकते हैं। रुको! शांति शांति शांति। क्या जब से पैदा हुए हो यूं बच्चों की तरह लड़ते रहते हो। मैं ये, मैं वो, क्या कभी सोचा है अगर मैं हम में बन जाए तो कोई हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। हमारी क्रिकेट टीम कितनी स्ट्रांग बन सकती है और हम लोग कितने स्ट्रांग बन सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपने हाथ में क्या उठा रखा है? आपको शांति का प्रतीक कबूतर नहीं पता? मैं हूँ शांति का प्रतीक और ये है जाड़ी और आज मैंने पहनी है साड़ी। अच्छा झाड़ी मीन्स बुश। अच्छा ये मेरे समझ में आज तक नहीं आया है, जब भारत पाकिस्तान मिलने वाले होते हैं बीच में बुश आ जाता है। अब तो गले मिलने की बात है। आजा भाई, आजा भाई। काशिफ, उसे एक बात मैं दिल से बोलूं, तुम ही अच्छा हंसा सकते हो। नहीं राजू भाई नहीं, आप ज्यादा अच्छा हंसा सकते हैं। नहीं आप अच्छा हंसा सकते हो राजू भाई, आप हंसा सकते हैं, आप हंसा सकते हो यार, आप हंसा सकते हैं यार। मैं बदतमीजी मत करना, मैं कह रहा हूँ। देखिए मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, आप ज्यादा अच्छा हंसा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ मेरे जमाने में आप हंसा सकते हो और तकरार में भी प्यार। अगर इस तरह से तुम दोनों झगड़ते रहे तो पूरा शो यहीं खत्म हो जाएगा। लगता है कि मुझे ही जाना चाहिए और शो शुरुआत कर देनी चाहिए। चलो ले चलो। डोंट टच। हाँ मैं वहाँ पे जाके बैठने की बात कर रही हूँ। लेकिन इन कपड़ों में तो क्या कोई बांग्लादेशी कपड़े हैं? इन कपड़ों में? अच्छा चेंज करवा दो। चलो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।